आज नियम 58 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री फुरकान अहमद, माननीय सदस्य तिलक राज बेहड़, माननीय सदस्य श्री राजेंद्र सिंह भंडारी, श्री भुवन कापड़ी जी, श्री हरीश धामी, श्री मनोज तिवारी, श्री गोपाल सिंह राणा, श्री विक्रम सिंह नेगी, श्री सुमित देश एवं श्रीमती अनुपमा रावत एवं श्रीमती ममता राके, श्री रवि बहादुर, श्री वीरेंद्र जाति, श्री शहजाद की कुल सूचनाएं प्राप्त हुई। मैं इनमें से श्री फुरकान अहमद जी, श्री अतिलक राज बेहड़ जी, श्रीमती ममता राकेश जी, श्री रवि बहादुर जी एवं श्री वीरेंद्र जाति जी व श्री शहजाद जी की सूचनाओं को नियम 58 के अंतर्गत ग्राह्यता पर सुनूंगी। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान देगी। बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी मान्य देगी, पूरे प्रदेश की मान्य देगी, पूरे प्रदेश की मोटर मार्ग खस्ता हाल है, पूरे ब्रांडेड प्रभावित हो रहे हैं, मान्य देगी। महत्वपूर्ण सूचना आएगा लीजिए। श्री फुरकान अहमद जी, श्री फुरकान अहमद जी, श्री फुरकान मान्य देगी, अति महत्वपूर्ण थी, मोटर मार्ग से संबंधित थी, पूरे प्रदेश के मोटर मार्ग से संबंधित थी। आप बजट पे बोलिएगा, बजट मान्य देगी, उसी पे बोलिएगा। चलिए मान्य अध्यक्ष जी, अच्छे से बोलिए। आपने मेरी नियम 58 की सूचना को स्वीकार किया, मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र प्राण कलियर में शासन द्वारा राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया गया था। इस हेतु दिसंबर 2015 में आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग द्वारा प्राण कलियर में 27 बीघा जमीन आवंटन कर दी गई थी तथा इस हेतु 4.50 करोड़ का बजट भी विभाग के पास स्वीकृत है। वर्ष 2016 में कॉलेज का शिलान्यास भी किया गया था, परंतु वर्तमान तक कोई कार्य नहीं किया गया। राज्य में कोई सरकारी आयुर्वेदिक यूनानी मेडिकल कॉलेज नहीं है, जिस कारण प्रदेश में यूनानी पद्धति का विस्तार नहीं हो पा रहा है तथा यहां के छात्र छात्राओं को इसकी पढ़ाई हेतु प्रदेश से बाहर जाने पर विवश होना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, ये अविलंब लोक महत्व के विषय पर सदन की समझ कार्रवाई रोक कर नियम 58 के तहत चर्चा की मांग करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक फुरकान अहमद जी द्वारा जो नियम 58 के तहत सूचना के अंतर्गत जानकारी चाहिए, माननीय अध्यक्ष जी, जनपद हरिद्वार के पिरान कलियर में राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अंतर्गत जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्र संख्या 93/2015 दिनांक 4 दिसंबर 2015 के द्वारा कुल 1.801 हेक्टेयर अर्थात 4.502 एकड़ भूमि विभाग को स्थानांतरित की गई। जनपद हरिद्वार के पिरान कलर में यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कुल ₹448.351 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्समय नामित कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत आंगणन का TAC से परीक्षण कराया गया। TAC द्वारा परीक्षणोपरांत धनराशि ₹3,366.42 लाख का आंगणन स्वीकृत किया गया था। उक्त राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज का आंगणन ₹3,366.42 लाख जो कि राष्ट्रीय आयुष मिशन गाइडलाइन के अनुसार मेडिकल कॉलेजों हेतु निर्धारित धनराशि 900 लाख से अत्यंत अधिक था, जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उक्त धनराशि भारत सरकार को वापस कर दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, आयुष मंत्रालय भारत सरकार की राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना की नवीन गाइडलाइन के अनुसार नवीन आयुष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना हेतु 700 लाख की धनराशि का प्रावधान निहित किया गया है। उक्त निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार की नवीन गाइडलाइन के अनुसार प्रथम चरण में यूनानी चिकित्सालय का निर्माण किए जाने हेतु नामित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए आंगणन के सापेक्ष TAC से परीक्षण कराया गया। TAC द्वारा उक्त हेतु 1,533.35 लाख का आंगणन अनुमोदित किया गया। यूनानी मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय निर्माण कार्य किए जाने का प्रस्ताव
व्यय वित्त समिति के में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्य सचिव महोदय ने निर्देश दिए कि चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज महत्वपूर्ण संस्थान है, अतः इतने महत्वपूर्ण संस्थान को मुख्य मार्ग के समीप होना चाहिए, जिससे अधिकतम जनमानस लाभान्वित हो सके। मुख्य सचिव महोदय के निर्देशों के क्रम में निदेशालय स्तर पर भूमि चयन हेतु समिति गठित की गई तथा जिला स्तरीय स्थल चयन समिति की सहमति से भूमि को उपयुक्त पाते हुए चिन्हित की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 को जोड़ने वाली सड़क 0.2176 हेक्टेयर भूमि का क्रय प्रस्तावित है। भूमि अधिग्रहण हेतु अनुमानित 2.45 करोड़ का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। नवीन भूमि का चयन एवं क्रय होने के उपरांत यूनानी मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। माननीय जी, माननीय अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये रोड से दूर है, जो एनएच जो दिल्ली से हरिद्वार एनएच राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत हुआ, ये उसी इसी के बीच में जमीन के गया, तो जब राष्ट्रीय मार्ग पे खुद ही जमीन आ गई तो यही काम शुरू कराया जाए। मान्य देखिए, हमने ये सारे विषय बताए कि जो ये पैसा स्वीकृत हुआ था उसका मानकों से ज्यादा था, और उसके बाद दोबारे जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई और उनके निर्देशों के क्रम में निदेशालय स्तर पर भूमि चयन हेतु समिति गठित की गई और इस जिला स्तरीय स्थल चयन समिति की सहमति से भूमि को उपयुक्त पाते हुए चिन्हित किया गया है, और साथ में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 जैसा आपने भी कहा जोड़ने वाली सड़क पर 0.2176 हेक्टेयर भूमि क्रय प्रस्तावित है। भूमि अधिग्रहण हेतु 2,45,00,000 रुपए प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है, यानी कि प्रोसेस में है सर। माननीय सदस्य श्री फुरकान अहमद तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं नियम 58 की सूचना को अग्राह्य करती हूँ। माननीय सदस्य श्री तिलकराज बेहर जी। माननीय दक्षा जी, आपने मुझे नियम 58 पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभारी हूँ। माननीय दक्षा जी, पूरे प्रदेश के अंदर आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती हैं, सहायिका हैं, मिनी कर्मचारी हैं, ये बहनें कार्य बहिष्कार पर हैं और एक लंबा समय हो गया पूरे प्रदेश के अंदर कार्यकर्ती आंगनबाड़ी की उनकी मांगों को सरकार नहीं सुन रही है और वो परेशान हैं। आंगनबाड़ियों को मिलता ही क्या, वो सारा काम करती हैं, चुनाव में भी ड्यूटी उनकी लगती है, अलग अलग जब भी जिला प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है तो अलग अलग उनसे ड्यूटी कराते हैं, और उनका ना तो मानदेय बहुत कम है। फुल आंगनबाड़ियों को 9,300 रुपये मिलता है, मिनी आंगनबाड़ियों को 5,250 रुपये मिलता है। इसका राजंश बढ़ाया जाए कम से कम, इतना काम उनसे लिया जाता है और आज 9,000-10,000 रुपये महीना क्या है। पूरा जो राजकीय कर्मचारी जो हैं बाकी विभागों के भी, वो उनके बराबर काम करती हैं, उनका राजंश नहीं बढ़ाया जा रहा। वो इस बात को लेकर बैठी हैं कि मानदेय उनका बढ़ाया जाए। ऐसे ही जिलाधिकारी स्तर पर उनको 5 दिन की छुट्टी के लिए बार बार DM के चक्कर काटने पड़ते हैं। उनकी ड्रेस अच्छी नहीं है, वो कह रही हमारी कम से कम ड्रेस अच्छी हो जाए। और इसके साथ साथ जो सामान आता है, अंडा है, खजूर है, केला है, और जो भी आदि सामान आते हैं उनके ढुलान का पैसा भी उनको अपने पास से देना पड़ता है, तो पैसा भी कम से कम उसका भी सरकार उसकी ओर ध्यान दे। तो इतनी महत्वपूर्ण, और बहनों की बात करते हैं हम, महिलाओं के को संरक्षण देने की बात करते हैं, उनसे हम तमाम काम तरह तरह के अलग अलग विभागों के अंदर हम लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है उनकी उनको ड्यूटी पर हम भेजते हैं, और उनको सरकार कुछ दे नहीं रही। तो मेरी आपके माध्यम से मांग है कि उन बहनों के बारे में सरकार सोचे। उनका रिटायरमेंट का मामला है, गोल्डन कार्ड के मामले हैं, आंगनबाड़ियों के उच्चीकरण के मामले हैं, जो केंद्र है उनके उच्चीकरण हो। तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार इसको गंभीरता से देखे, ये बड़ा गंभीर मामला है, और मेरा आपसे आग्रह है कि ये अभी लंबनीय जो है विषय है, इस पे सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराई। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के संबंध में माननीय विधायक तिलकराज बेड़ी जी द्वारा जो सूचना दी गई, उसमें मेरा अनुरोध, मेरा कहना है कि भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं, मिनी कार्यकर्तियों के मानदेय पद का प्राविधान है,
जिसके तहत उक्त मानदेय कार्मिकों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से निर्धारित 6 सेवाएं महिलाओं एवं बच्चों को दी जाती हैं। समय समय पर भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्मिकों का मानदेय निर्धारित किया जाता है, जिसके अनुसार वर्तमान में भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार मानदेय निर्धारित किया गया है। कार्यकर्त्री को भारत सरकार द्वारा 4,500 रुपये दिया जाता है, सहायिका को 2,250 रुपये दिया जाता है और उसी प्रकार मिनी कार्यकर्तियों को 3,500 रुपये दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें हमारी सरकार के द्वारा उनके अंश को बढ़ाया गया, यानी कार्यकर्ती को 4,800 रुपये प्रदेश सरकार द्वारा, सहायिका को 3,000 रुपये और मिनी कार्यकर्ती को 2,750 रुपये। इस प्रकार वर्तमान आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 9,300 रुपये, मिनी कार्यकर्तियों को 6,625 रुपये और सहायिका को 5,250 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्मिकों को उनके रिटायरमेंट के बाद, जैसे माननीय सदस्य जी ने पूछा, तो उसके बारे में आंगनबाड़ी कल्याण कोष का लाभ प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी कर्मियों को मानदेय से 100 रुपये प्रति माह के अंशदान की कटौती की जाती है। तदनुसार 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर 5% ब्याज सहित देय होता है, जिसमें उनकी सेवा अवधि के अनुसार 30,000 रुपये से न्यूनतम 30,000 रुपये से लेके 1,29,658 रुपये तक का प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं को भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना से आच्छादित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसमें 5,00,000 रुपये तक का निःशुल्क चिकित्सा लाभ प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। वर्तमान में सभी आंगनबाड़ी कर्मियों का राज्य आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में दिनांक 26/2/2024, यानी कि आज 29 है, अभी 3 दिन पहले से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कार्यरत 5,115 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में उच्चीकृत किया गया है। वर्तमान में आंगनबाड़ी कर्मियों के हड़ताल पर जाने के पश्चात इनसे लगातार वार्ता की जा रही है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ वार्ता हेतु तिथि प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया गया है। उक्त के परिणाम स्वरूप कतिपय संगठनों द्वारा हड़ताल रोक भी दी गई है। माननीय सदस्य अजयंश, अगर और बढ़ा दें, कब क्या है, 10,000 रुपए भी नहीं मिलता, 9,300 रुपए है। सरकार इतनी मेहरबान हो जाए, इतना काम करती है। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा, जैसे मैंने कुछ राजांश बढ़ाने की बात आज कर दो, कुछ तो बढ़ा दो। समय समय पर ये बढ़ाने का निर्णय सरकार द्वारा ले जाता है, फिर भी जैसे भी आपको बताया कि जो माननीय मुख्यमंत्री से उनका वार्ता होनी है, उसमें जो भी था। माननीय सदस्य श्री तिलकराज बेहड़ जी तथा माननीय सदस्य कार्य मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं नियम 58 की सूचना को अग्राह्य करती हूँ। माननीय सदस्य श्रीमती ममता राकेश जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस महत्वपूर्ण सूचना को नियम 58 के अंतर्गत स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विषय प्रदेश के अंतर्गत राजकीय सेवाओं में भर्ती हेतु जारी विज्ञापनों में आरक्षित वर्गों को संविधान सम्मत आरक्षण के अनुसार पर्याप्त पद प्रदान नहीं किए जाने के विषय में है। यह अत्यंत ही चिंता का विषय है कि प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की अनदेखी कर रही है। यहाँ तक कि अब इन वर्गों के संवैधानिक अधिकारों को भी अनदेखा किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में राजकीय सेवाओं में भर्ती हेतु जारी विज्ञापनों में आरक्षित वर्गों को संवैधानिक आरक्षण में तय प्रतिशत के अनुसार पर्याप्त पद प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा 11 सितंबर 2019 को जारी शासनादेश के अंतर्गत राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक उद्योगों, निगम, स्वायत्त शासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु रोस्टर निर्धारित किया गया था, लेकिन तब से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अधीनस्थ, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आदि भर्ती अभिकरणों के द्वारा सीधी भर्ती हेतु दर्जनों विज्ञापन जारी किए गए हैं। इन विज्ञापनों में एससी, एसटी एवं ओबीसी वर्ग के लिए पदों का आवंटन संविधान द्वारा निर्धारित कोटे से कम ही नहीं, नगण्य प्रदान किया जा रहा है। प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण एवं लोकहित का है, अतः इस तात्कालिक एवं अविलंबनीय लोक महत्व की सूचना पर नियम 58 के अंतर्गत सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा की मांग करती हूं। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी,
माननीय अध्यक्ष जी बहुत ही महत्वपूर्ण अवलंबनी प्रश्न है माननीय अध्यक्ष जी, और आपने मुझे नियम 58 में बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका हृदय से आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, संविधान में व्यवस्थाएं की गई हैं, और जो मनुष्य जाति है, जनजाति है, ओबीसी वर्ग है, उनके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई है कि वो मूल मुख्य धारा में शामिल हो सकें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, देखने में आ रहा है विगत समय से कि जो राजकीय पद हैं विभिन्न विभागों के, उसमें संवैधानिक आरक्षण के अनुसार पर्याप्त पद प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। मैं प्रमाणिकता के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सदन के सामने आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ममता राकेश जी ने कहा कि 11 सितंबर 2019 को जो शासनादेश जारी हुआ, निर्गत हुआ, उसके अंतर्गत राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक उद्योगों, निगम, स्वायत्त सती संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु रोस्टर निर्धारित किया गया था 2019 में। तब से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हो, अधीनस्थ जन सेवा आयोग हो, इसमें जो भी भर्तियां हुई है, माननीय हुई हैं, उसमें राजकीय सेवाओं में आरक्षित वर्गों को संवैधानिक आरक्षण के आधार पर पर्याप्त पद प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। विगत दिनों में जारी कुछ ऐसी विज्ञप्तियों के उदाहरण मैं आपके सामने और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने आपके माध्यम से सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। दिनांक 1 फरवरी 2024 चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा समूह क के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 391 पदों का विज्ञापन जारी किया गया 1 फरवरी 2024 को, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग को 19% के आधार पर 74 पदों के सापेक्ष मात्र 17 पद अर्थात 4% पद प्रदान किए गए। और एसटी और ओबीसी की भी माननीय अध्यक्ष जी यही स्थिति है। 5 सितंबर 2023 को आबकारी विभाग में कांस्टेबल के 100 पदों का विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें एससी को 19 पदों के स्थान पर मात्र 4 पद, ओबीसी को 14 पदों के स्थान पर मात्र 1 पद प्रदान किया, और जनजाति को 1 पद भी इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई। 21 अगस्त 2023 को उत्तराखंड राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 द्वारा विभिन्न श्रेणियों में 1097 पदों का विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति को 19% के स्थान पर मात्र 9% पद प्रदान किए गए। और इसी तरह 21 अगस्त 2023 को उत्तराखंड राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के विज्ञापन में सिंचाई विभाग में सिविल अभियंता के 59 पदों में से एससी एसटी ओबीसी को 1 पद भी नहीं दिया गया। इस विज्ञापन में पेयजल निगम में कनिष्ठ अभियंता के कुल 40 पदों में से एससी वर्ग को 1 पद भी नहीं दिया गया। जून 2021 में राजस्व उप निरीक्षक व लेखपाल के 513 पदों का विज्ञापन जारी हुआ, जिसमें एससी वर्ग को 19% के स्थान पर 97 पद दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। 97 के स्थान पर मात्र 51 पदों के साथ 10% पद प्रदान किए गए, 19 के स्थान पर 10% पद प्रदान किए गए। एसटी को 10 पदों के साथ 1.49, ओबीसी को 34 पदों के सापेक्ष 14% के बजाय 6% कोटा ही दिया गया। 30 जून 2021 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून द्वारा पर्यावरण पर्यवेक्षक के 291 पदों का विज्ञापन निकाला गया,
जिसमें एससी को 55 पदों के स्थान पर मात्र 6 पद, एसटी को 2 पद, ओबीसी को मात्र 21 पद प्रदान किए गए। और इसी तरह 31 जनवरी 2024 को उत्तराखंड समरी राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा 2024 हेतु जो विज्ञापन जारी किया गया, डिप्टी कलेक्टर के 9 पदों में से एससी एसटी को एक भी पद नहीं दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे दर्जनों विज्ञापन जारी किए गए हैं जिसमें एससी एसटी ओबीसी की घोर अनदेखी की गई है माननीय अध्यक्ष, और संवैधानिक जो आरक्षण की जो संविधान द्वारा व्यवस्था की है उसकी अवहेलना लगातार विभिन्न विभागों में सरकार द्वारा की जा रही है। बहुत बड़ा माननीय, बहुत बड़ा मामला है, मानिए गंभीर विषय है माननीय अध्यक्ष जी। और इसका कारण 2019 में निर्धारित रोस्टर आधारित भर्ती को बताया जा रहा है माननीय अध्यक्ष जी। इसी तरह माननीय अध्यक्ष जी, विभागीय पदोन्नति वाले पदों में से पूर्व से एसटी एसटी ओबीसी वर्गों का उनकी जो प्रतिनिधित्व है वो नगण्य है माननीय अध्यक्ष जी। प्रदेश में 2012 में प्रदेश सरकार द्वारा गठित श्री इंदु कुमार पांडे जी जो कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार एससी एसटी के कुल 90% के सापेक्ष 4%, ग्रुप कौ में क्रमशः 11.64 के सापेक्ष 2.98%, ग्रुप ख में क्रमशः 12.18 के सापेक्ष 2.70%, ग्रुप ग में 13.91% के सापेक्ष 1.66 का प्रतिनिधित्व है, जो कि जो तय आरक्षण है उसके आधार पर बहुत ही कम है मान्य। और मेरा इसमें विनम्रतापूर्वक अनुरोध है मान्यवर कि आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि राजकीय सेवा में जो संवैधानिक हमारे अधिकार हैं अनुसूचित जाति के, जनजाति के, ओबीसी के, उसकी घोर अनदेखी की जा रही, घोर उपेक्षा की जा रही है। और जो आपका नारा है माननीय अध्यक्ष जी, जो सरकार का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका प्रयास, ये मूल उसकी अवधारणा की जो मूल अवधारणा है आपके नारे की, आपके संकल्प की, उसकी वानगी ये तस्वीर दिखाई दे रही माननीय अध्यक्ष जी। मेरा माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, माननीय मंत्री से मैं कहना चाहता हूँ कि नियुक्तों के आधार पर जो रिक्तियाँ हैं उसके आधार पदों का आवंटन होना चाहिए। विभागीय पदों पर, पदोन्नति पदों पर भी रोस्टर के आधार पर पदोन्नति होनी चाहिए माननीय अध्यक्ष जी। बहुत ही गंभीर विषय माननीय अध्यक्ष जी, जो संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो परिकल्पना थी, जो दबा समाज है, जो कुचला समाज है, शोषित समाज है, जो वंचित समाज है, दलित समाज है, उसको मुख्य धारा में आगे बढ़ाने के लिए संवैधानिक व्यवस्थाएं की थी, मूल अधिकार दिए थे, आज उन मूल अधिकारों का संवैधानिक आरक्षण का घोर उल्लंघन इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है माननीय अध्यक्ष जी, और बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही दुखद है। कौन करेगा, उनकी आवाज कौन बनेगा माननीय अध्यक्ष जी? क्या मंशा है सरकार की? ये मंशा साफ जाहिर होती है कि सरकार जो निचला तबका है, जो गरीब तबका है, जो जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, उनकी अनदेखी, उनकी अवहेलना और उनके साथ अन्याय क्या है, सोशल जस्टिस की बात, सामाजिक न्याय की बात कहाँ रही माननीय अध्यक्ष जी? तो मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज नियम 58 में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, और ये अति लोक महत्व का, लोक अवलंबनी लोक महत्व का प्रश्न है, इसमें सारी विषयों को छोड़कर इस पर चर्चा की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री रवि बहादुर जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम 58 की सूचना पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, विषय है प्रदेश के अंतर्गत राजकीय सेवाओं में भर्ती हेतु जारी विज्ञापनों में
आरक्षित वर्गों को संविधान सम्मत आरक्षण के अनुसार पर्याप्त पद प्रदान नहीं किए जाने के विषय में। माननीय अध्यक्ष जी, अपने आपको माननीय नेता प्रतिपक्ष ममता राकेश जी के साथ संबंध करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। तथ्यों के साथ अभी हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बात रखी है। माननीय अध्यक्ष जी, पहले ये इस सदन के सभी सदस्यों को, हम सबको ये समझना पड़ेगा कि आरक्षण की बात क्यों होती है। आरक्षण एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो अभी पिछले 4 साल से शुरू हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, बजट में भी बाबा साहब को की बात रखी गई कि चाहे भूखे रह लें पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, शिक्षा जरूर देंगे। वो शिक्षा किस लिए देंगे? बाबा साहब ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, बाबा साहब ने सबके लिए सब कुछ कुछ ना कुछ संविधान में लिखा। और आज ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें सदन को अवगत कराना पड़ रहा है कि आज वो आरक्षण, आज वो जो संविधान की चीज़ें जो उसमें लिखी गई थी, आज वो फॉलो नहीं हो रही है। आज जब से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आदि अभी कारणों के द्वारा सीधी भर्ती हेतु दर्जन विज्ञापनों जारी जो किए जा रहे हैं, चाहे वो आपका 1 फरवरी का आपका जो है विज्ञापन हो, चाहे 5 सितंबर का हो, चाहे 21 अगस्त का हो, जिसके बारे में हमारे जो है नेता माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बताया, चाहे वो आपका जून का हो, सब में कहीं ना कहीं आरक्षण की अनदेखी की गई है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़ी स्ट्रांगली एक बात कहना चाहूँगा कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। ये उन लोगों का अधिकार है जिन्होंने दंश झेला है, जिन्होंने दुख झेला है। और माननीय अध्यक्ष जी, आज अपनी लाइफ का एक मैं खुद उदाहरण बताऊँगा इस सदन के सामने। मेरी नानी से मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, 2016 में नहीं रही हमारे बीच में, पर जब मैं उनके पास बैठता था, उनकी बात सुनता था, तो ये बताती थी कि भाई, सहारनपुर की वो रहने वाली थी, कि भाई नलके पे हाथ लगाने का अधिकार नहीं था, पानी लेने का अधिकार था पर नलका चलाने का अधिकार नहीं था। तो ये हमारी किस्मत थी कि कोई 10 मिनट वेट करने के बाद आ जाता था, कभी आधा घंटा लग जाता था पानी भरने में। मेरे नाना सीएसडी में ऑफिसर थे, वो बाल कटवाने विकास नगर से देहरादून आते थे। इस तरह के दंश अनेकों प्रकार के दलितों ने, एसटी ने, ओबीसी ने झेले हैं, और ओबीसी तो हमारे से भी बुरे हालात में है। आज वो कहने को ओबीसी हैं, पर उनका दर्जा मुझे लगता है शायद आज एससी से भी कम हो गया। और इस तरह की ये नियमों में अनदेखी करना, नियमों को ताक पे रखकर, जो मात्र 4 साल पहले ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, उसमें क्या आपके नियम है, क्या मान्यता है, आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं? आपका वो 10% का कोटा है, आपने उसको 20% में मानकों में बढ़ा रखा है, अपने आप से बढ़ा रखा है। क्या G20 करने से, क्या ये कहने से कि ये इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का वो होगा, दशक होगा, क्या ऐसे होगा? जो लास्ट की पंक्ति का व्यक्ति है, जिसने दंश झेला है, दुख झेला है, जो तड़पा है एक एक चीजों के लिए, पानी जैसी चीजों के लिए तड़पा है, जिसके पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी कि तुम्हारे पैरों की जो है वो छाप भी हम नहीं लेंगे, गले में हंडी बांधी जाती थी कि थूकना है तो सिर्फ हंडी में ही थूकना है, क्या उस लास्ट की पंक्ति के आज व्यक्ति को अगर इंसाफ नहीं मिल रहा है तो क्या ये वही तीसरा दशक है? क्या G20 मिलने से उस आदमी को आरक्षण मिल रहा? अरे, हमारे पास जो पहली चीजें थी, आज हम उसको नहीं स्टोर कर पा रहे हैं। ये तो माननीय अध्यक्ष जी वो उदाहरण हो रहा है कि हमने अपने महल के महल तो छोड़ दिए और हम एक 2 BHK 3 BHK की जो है पॉश कॉलोनी में अपार्टमेंट में रह रहे हैं, खुली सांस छोड़ के घुटन में रह रहे हैं, बता रहे हैं देखो हम तो यहां आके रह रहे हैं, स्टैंडर्ड कितना मॉडर्नाइज हो गया। हमने आरक्षण देने में इतनी इन नियमावली में ये विज्ञा कल माननीय जो है संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि तथ्यों पर बात होनी चाहिए, हम उसका जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये तथ्य है हमारे हाथ में, जो माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कहा, उनके हाथ में तथ्य है, मेरे हाथ में तथ्य है, और भी डेट है विद आरक्षण है कि कितना परसेंट आरक्षण था, कितना परसेंट दिया गया। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, एक पीड़ा है और ये सर्व समाज की है, और मैं फिर जोर देके कहूंगा कि एससी एसटी का तो जो हाल हो रहा है
ओबीसी का हमारे से भी ज्यादा बुरा हाल हो रहा है। तो माननीय अध्यक्ष जी, इस तरह की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, हम लोगों के साथ, सब लोगों के साथ, किसी के साथ भी होनी चाहिए। जो लास्ट की पंक्ति का व्यक्ति है, जो उस अधिकार का, जो उसको अधिकार मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। आपने मुझे इस लोक महत्व गए अविलंबनीय लोक महत्व की सूचना पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और सदन में आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि कौन से ऐसे अधिकारी हैं, कौन से ऐसे सरकार है, कौन से ऐसे मंत्री हैं जो इस तरह की चीजें कर देते हैं और वो फिर कहते हैं कि हम सब कुछ अच्छा कर। माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र जाति जी। माननीय अध्यक्ष जी, नियम 58 की सूचना पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता की व्यवस्था आरक्षण रूप के रूप में संविधान में स्थापित की और उसी व्यवस्था के अनुरूप पढ़ाई से लेकर के नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। पढ़ाई के समय एससी एसटी ओबीसी को स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी संविधान के अनुरूप की गई और जिसके तहत बहुत सारे बालक बालिकाएं पढ़ रहे हैं और पढ़े भी हैं। पढ़ने के बावजूद जब वो नौकरी मांगने के लिए पहुंचते हैं तो सरकार विभिन्न विभिन्न तरीके से, भले ही वो प्राइवेट एजेंसियों के या आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती हो, आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है। और तो और बैकलॉग भी नहीं भरा जा रहा है। संविधान सम्मत आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था को सरकार नष्ट कर रही है।